हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी सभी लोग? ठीक है, आज मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर आप सभी का, जीनियस क्लासेस पर। और मेरा नाम विपुल शर्मा है, प्रोफेशनली एक टीचर हूँ। ठीक है, और आज मैं आपके लिए नई क्लास लेकर के आया हूँ, इश्यू ऑफ शेयर का पार्ट नंबर 4। ठीक है, नए जोश नए जुनून के साथ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और टॉपिक पे जाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो मेरी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रही है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगन द टॉपिक। देखिए, मैंने लिखा हुआ है कंपनी अकाउंट्स का पार्ट 4 है, इशू ऑफ शेयर। लास्ट मैंने आपको फॉरफिटेड करना बताया था कि हम फॉरफिटेड कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम बताएंगे रीइशू कैसे करते हैं ना, रीइशू कैसे करना होता है। तो बच्चों, इस चीज को आप ध्यान में डालिए कि जब हम शेयर को इशू करते हैं, शेयर को आपने दी होगी बात ध्यान, शेयर को हम क्या करते हैं, इशू करते हैं। ठीक है, तो जब बंदा पेमेंट करने में अनेबल रहता है, यानी कि असफल हो जाता है, तो उसके हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से सर्कल होता है, फॉरफीचर कर लेते हैं उसके शेयर। ठीक है, और फॉरफीचर होने के बाद उसको क्या करते हैं हम बच्चों, जब ये शेयर हमारे पास फॉरफीचर हो जाते हैं 1000, तो हम क्या करते हैं, इनको अपने पास ना रखकर इनको हम रीइशू, इनको हम दोबारा से इशू करते हैं। उस दोबारा से इशू करने को बोलते हैं रीइशू। आई होगी समझ में बात आपको, दोबारा से शेयर को इशू करना ही क्या कहलाता है बच्चों, रीइशू कहलाता है। ठीक है, चलिए अब मैं टॉपिक की ओर चलता हूं। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बच्चों, इस क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा, इतना इंटरेस्टिंग और इतना जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं रीइशू के अंदर, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। ठीक है, तो रीइशू बता देता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा और कितना सिंपल में बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा, हम सबसे पहले ये देखते हैं रीइशू जो कर रहे हैं वो कितने रेट पे कर रहे हैं। मान लीजिए जो शेयर जब हमने पहले इशू किया था वो 100 रुपीज का था, कितने का था वो 100 का, और हम क्या कर रहे हैं उसको 100 में ही कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं बच्चों, 100 में ही कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों एट पार। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एट पार, यानी कि हम सब मूल्य पर रीइशू कर रहे हैं, तो उसमें एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जितनी भी हो आपकी उतने से मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लो 1000 शेयर थे तो 1000 की 100 से मल्टीप्लाई करके आप यहां डाल दीजिए, लो जी बन गया आपका रीइशू। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता, तो बहुत कम देखा जाता ऐसे केसेस। केस नंबर सेकंड है बच्चों, अगर हमने क्या किया, रीइशू एट प्रीमियम पर किया, किस पे किया, प्रीमियम पर, मान लीजिए 110 पर किया, तो उस वे में आपके पास एंट्री बनेगी, मैं लिख देता हूं एट प्रीमियम, उस वे में एंट्री बनेगी आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। आगे बात समझ में सभी को, इस केस में हमारे पास ये एंट्री बनते हैं, नरेशन आप बना सकते हो बीइंग रीइशू एट पार, बीइंग रीइशू एट प्रीमियम। ठीक है, लेकिन थर्ड केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। केस नंबर ये है कि अगर हमने रीइशू किया वो एट डिस्काउंट किया, किस पे किया बच्चों, एट डिस्काउंट किया, वो 100 का शेयर था उसको हमने 85 में किया, किसमें किया, 85 में किया, तो बच्चों इसको लिख देंगे हम एट डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एट डिस्काउंट। इसमें करना क्या है, आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि जब हमारे पास शेयर का पैसा जाता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे फॉरफीचर को डेबिट करेंगे, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है,
शेयर फॉर फ्यूचर लिख देते हैं, ठीक है, और टू कर देते हैं बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? हाँ जी बेटा, मन में क्वेश्चन चल रहा होगा आपके कि सर डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा, फॉर फ्यूचर क्यों लिखा। बच्चों हमने, मैं आपको बताता हूँ, हमने फॉरफिटेड किए थे शेयर। जब हमने इसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए थे तो उस वे में हम क्या करते हैं, उसका पैसा जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पैसे के लिए ही हमने शेयर फॉरफिट को डेबिट किया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही ये तो हमारा ए केस बनता है, इसके द्वारा बी केस भी है हमारे पास, इसका बी केस भी है। मैं यहां बना देता हूं बी केस, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं बी केस बना रहा हूं इसका। एट डिस्काउंट, यानी के इशू एट डिस्काउंट एंड रीशू भी एट डिस्काउंट इस केस में बनेगा बच्चों। रीशू एट डिस्काउंट, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यानी कि आपने जो इशू किया डिस्काउंट पे ही, मैंने जो शेयर था पहले 100 का, वो पहले भी 85 में था जब हमने इशू किया था। अब उस वो पेमेंट देने में अनेबल है तो हमने उसके शेयर को जब्त कर लिया, यानी कि उसके हरण कर लिया उसके शेयर। तो जब हम रीशू कर रहे हैं तो भी हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं। अब इस केस में एंट्री बनेगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखिए, मैं अभी रिवाइज भी करा दूं एक बार, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? इस वे में आपके पास एंट्री ये बनेगी, समझ में आई बात। अब अक्सर जो देखा जाएगा आपको, आपकी बुक में भी होगा बच्चों, मैक्सिमम आपको क्वेश्चन ये मिलेंगे, ये वाले या फिर ये वाले, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी होती है बच्चों वो जो रीइशू करती है वो हमेशा डिस्काउंट पे ही करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये भी कम केस मिलेगा, ये ज्यादा मिलेगा, यही मिलेगा, क्योंकि रीइशू कभी प्रीमियम पे नहीं करती, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में होती है, उसका पैसा जब्त कर लिया यार, है ना, तो कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, इसलिए कंपनी रीइशू कर देती है एट अ डिस्काउंट पे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इतना करने के बाद आपको करना क्या है। यहाँ पे एक चीज छूट चुकी है, बच्चे सोच रहे होंगे ये तो पूरा हो गया है ना, पूरा नहीं हुआ बच्चों, अभी ये फिल्म चली है, क्लाइमैक्स बाकी है अभी। क्लाइमैक्स क्या है इस फिल्म का, जो बच्चे अक्सर करना भूल जाते हैं या फिर आंसर सबके गलत आते हैं वहां पे, वो है जब हम इस केस को करके, इस काम को करके, हम जो हमारे पास पैसा रखा हुआ है, जो हमने पैसे को इस्तेमाल नहीं किया, उस पैसे का हम करते क्या है, खुद ही सोचिए भाई। हमारे पास 1000 शेयर का पैसा जो हमने जब्त किया था 5000 रुपए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको 5000 रुपए जो हमारे पे थे, हमने तो इस्तेमाल थोड़ा ही किया, हमारा तो उतना इस्तेमाल हुआ ही नहीं। मान लीजिए रीइशू 85 पे हुआ तो रीइशू उस तरीके से हुआ ही नहीं, तो आप क्या करेंगे उस वे में, क्या करेंगे, उस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी एंट्री होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हेन फॉरफिटर अमाउंट बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो उस वे में आपके पास जो एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर लिख लो या कुछ भी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बच्चों मेन पार्ट तो यही होता है, बैलेंस शीट बनाना, कैश अकाउंट बनाना बड़ा इजी है। मैं बनवाऊंगा अभी, एक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा बच्चों, जबरदस्त वाला क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन और कॉल सेंटर का भी कराऊंगा, एक क्वेश्चन फॉरफिटेड का रीशू का भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, टेंशन मत लेना, कंप्लीट कराऊंगा आपको, बेफिक्र रहिएगा।
फिलहाल तो मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उस कंसेप्ट को क्लियर करते चलना, ठीक है। मेंशन नोट परेशान मत कीजिएगा, मैं आपको बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट दूंगा आगे आगे, ठीक है। कंप्लीट करूंगा कोर्स। अब आपको एक बार रिवाइज करा दूं, जब हम रीइशू करते हैं तो अगर सिंपल वे में रीइशू किया तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे इशू किया तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, लेकिन अगर डिस्काउंट की बारी आती है तो बैंक डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, भूलना मत शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट या फॉरफिटर की बात होती है बच्चों, ठीक है ठीक है। और अगर इन केस अगर इशू भी डिस्काउंट पे है और रीइशू भी डिस्काउंट पे है तो उस केस में डिस्काउंट भी आएगा और शेयर फॉरफिटर भी आएगा, समझ गए बच्चों। और जब ये अमाउंट होती है, ये अमाउंट आती कैसे है यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक बार करके, ये अमाउंट आती कैसे है, जब आप हरण करते हैं है ना, फॉरफिटेड करते हैं तो आपके पास मैंने आपको एंट्री बनवाई थी कैशियर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड, तो वो जो टू शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट है, टू मैं लिख देता हूं देखो यहां, टू शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट है, उस अमाउंट से इस अमाउंट का डिफरेंस निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, इस अमाउंट से जो आपने जब्त किए थे उसके शेयर, इस अमाउंट से इस अमाउंट का डिस्टेंस निकालेंगे और यहां डाल देंगे, समझ में आई बात। लेकिन कब डालेंगे, जब पूरे इशू किए हो, 1000 जब्त किए थे और 1000 ही रीइशू कर दिए, समझ में आई बात। ये मत सोचना कि रीइशू मतलब 1000 तो जब्त किए और 500 रीइशू कर दिए तब डिविडेंड डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं डालना, फिर आपको उतने ही शेयर का अमाउंट निकालना है यहाँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरीज होगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आइए सब लोग, ठीक है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पे आइए ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, चैट ऑन किया हुआ है, जो भी आपकी क्वेरीज हो उसमें बताइए आप मुझे, मैं आपको 100% सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं उस टॉपिक पे 100% वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आगे आगे नए नए कंटेंट्स नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा। और जाते जाते मैं आपको यही कहूंगा, अपने जो फ्रेंड सर्कल है आपका, मेरी वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे, उसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम लिंक एंड मैंने अपना जो मेरी वीडियोज के लिंक है, इसके पार्ट वन के, पार्ट टू के, पार्ट थ्री के, वो जरूर आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। जय हिंद।